खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वर्ल्ड कप में भारत की शुरुआत खराब, पहले अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 6 विकेट से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 39 ओवर में 2 गेंद में सिर्फ 179 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 4 विकेट खोकर 48वें ओवर में ही जीत दर्ज की। वार्म अप मैच में 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। ओपनर रोहित और शिखर धवन 2-2 रन बनाकर आउट। कप्तान विराट कोहली भी सस्ते में आउट, 24 गेंद में सिर्फ 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे विराट। केएल राहुल और धोनी का बल्ला भी नहीं चला, राहुल ने सिर्फ 6 रन बनाए तो धोनी भी सिर्फ 17 रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से जडेजा ने 50 गेंद में 54 रन की पारी खेली, पांड्या ने 37 गेंदों में 30 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से ट्रेट बोल्ट और जेम्स नीशम की शानदार पारी, बोल्ट ने 4 विकेट लिए तो नीशम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान विलियमसन और रॉस टेलर ने खेली शानदार पारी, विलियमसन ने 67 और टेलर ने 71 रन बनाए। विश्व कप के एक और वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान इंग्लैंड को 12 रन से हराया, पाबंदी के बाद लौटे स्टीव स्मिथ ने लगाया शतक। वार्म अप मैच में स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के खिलाफ दर्शकों ने की नारेबाजी, बॉल टेम्परिंग विवाद में दोनों पर लगी थी 1 साल की पाबंदी। टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, विजय शंकर की स्कैन रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि दाएं हाथ में फ्रैक्चर नहीं है, विजय शंकर को नेट्स में दाएं हाथ में चोट लगी थी। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को मिली विश्व कप में परिवार के साथ ले जाने की इजाजत, भारत के खिलाफ मैच होने के बाद ही पत्नियों को ले जा सकेंगे पाक खिलाड़ी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया, राष्ट्रपति ने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नियुक्त किया। शनिवार को बीजेपी और एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। नई सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा, इसकी तारीख अब तक तय नहीं हो पाई है, हालांकि चर्चा 30 मई की है। संसद के सेंट्रल हॉल में सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दिया नया नारा, कहा सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास जीतना सरकार का लक्ष्य। मोदी ने कहा कि देश के गरीबों और अल्पसंख्यकों के साथ छल हुआ, उस छल में छेद करके अल्पसंख्यकों को विश्वास जीतना है। शपथ से पहले मंत्रियों की मीडिया में चल रही लिस्ट को मोदी ने करार दिया झूठ, सांसदों को समझाया जिसका काम है वही बनाएगा मंत्री, किसी के बहकावे में मत आना। मोदी ने अपने संबोधन में बड़बोले नेताओं को दी हिदायत, छपास और दिखास से बचने को कहा। बड़ी जीत के बाद आज मां का आशीर्वाद लेने अहमदाबाद जाएंगे पीएम मोदी, हवाई अड्डे के पास बनी सरदार पटेल की मूर्ति पर माला भी चढ़ा। वाराणसी से दूसरी बार सांसद बनने के बाद कल वाराणसी की जनता के बीच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में आज मोदी से मिलेंगे वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगनमोहन रेड्डी। 30 मई को सीएम पद की शपथ लेंगे जगनमोहन रेड्डी, विजयवाड़ा में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर। यूपी के गोंडा के तरबगंज में मुस्लिम दंपति ने 23 मई को जन्मे अपने बच्चे का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी रखा। गोंडा में अपने बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने वाले दंपति का कहना है कि उन्होंने मोदी के विचारों पर चलने का संकल्प लिया है। मोदी सरकार की वापसी से 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाली शायरा मानो खुश, 3 तलाक बिल पास होने की उम्मीद जताई। आरएसएस ने हिंदुओं को कट्टर कहे जाने का कड़ा विरोध किया, संघ के सर कार्यवाह मनमोहन वैद्य ने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि सर्वसमावेशक है हिंदू, इसीलिए कभी कट्टर नहीं हो सकते। जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल और उनकी पत्नी को मुंबई हवाई अड्डे पर विदेश जाने से रोका गया, भारत की बड़ी एयरलाइन में से एक जेट एयरवेज बंद हो चुकी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने की इस्तीफे की पेशकश, सर्वसम्मति से ठुकराया गया इस्तीफा। बैठक में शामिल एक नेता ने बताया कि राहुल के इस्तीफे की पेशकश के बाद पी चिदम्बरम भावुक हो गए। चिदम्बरम ने यहां तक कहा कि अगर राहुल अध्यक्ष पद छोड़ते हैं तो दक्षिण भारत में लोग कुछ कदम उठा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में टीएमसी के खराब प्रदर्शन के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की, पार्टी ने खारिज किया। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने राज्य में आपातकाल के जैसे हालात पैदा कर दिए। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा लगता नहीं कि बंगाल की सरकार 2021 तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता मुकुल रॉय के बेटे और निलंबित टीएमसी विधायक शुभ्रांशु रॉय आज बीजेपी में शामिल होंगे, कहा टीएमसी में दम घुट रहा था।
लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद आज अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की बैठक बुलाई, हार के कारणों की समीक्षा होगी। आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा को आप विधायकों के व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर किया गया। आम आदमी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाले जाने के बाद फूटा अलका लांबा का गुस्सा, ट्वीट कर सवाल उठाए, कहा गुस्सा मुझ पर ही क्यों निकाला जा रहा है। शीला दीक्षित से मुलाकात कर मनोज तिवारी ने लिया आशीर्वाद, लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी ने शीला दीक्षित को हराया है। एमपी में हार की समीक्षा के लिए सीएम कमलनाथ ने विधायक दल की बैठक बुलाई, बैठक में हार के कारणों की समीक्षा होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के पिता का मुंबई में निधन, लंबे समय से बीमार थे शिवराज सिंह के पिता। ओडिशा में बीजेडी विधायक दल की बैठक आज, पांचवी बार ओडिशा के सीएम पद की शपथ लेने को तैयार नवीन पटनायक, चले जाएंगे नेता। सूरत में हुए हादसे के बाद कोचिंग सेंटर के संचालक भार्गव भूटानी को गिरफ्तार कर लिया गया, हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 22 हुआ। सूरत कोचिंग सेंटर में आग लगने के मामले में आरोपी दो बिल्डर्स की पहचान हुई है, हालांकि अभी दोनों बिल्डर फरार चल रहे हैं। सूरत में हादसे के बाद जागी गुजरात सरकार, सीएम विजय रूपाणी ने स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटर्स के ऑडिट के आदेश दिए। सूरत में हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इसमें दिख रहा है कि आग कैसे फैली और बच्चों के बीच अफरा तफरी मच गई। सूरत के हादसे के बाद एमपी में भी सरकार जागी, शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने इंदौर में कोचिंग सेंटर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अभिनेता करण ओबरॉय पर रेप पीड़िता पर जानलेवा हमला कराने का आरोप, मुंबई के ओशिवारा थाने में एफआईआर दर्ज। बाइक सवार हमलावरों ने रेप पीड़िता पर ब्लेड से हमला किया था और केस वापस लेने की धमकी दी थी, पुलिस जांच में जुटी। आरोपी करण ओबरॉय के वकील ने हमले को साजिश बताया ताकि करण ओबरॉय को जमानत न मिल सके। मुंबई के सायन इलाके में पति ने पत्नी की पीट पीट कर हत्या की, हत्या के बाद खुदकुशी की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली नोएडा फ्लाईवे से एक युवक ने यमुना नदी में छलांग लगाई, बाइक, वॉलेट और मोबाइल बरामद, तलाश में जुटे गोताखोर। दिल्ली में ठगी के मामले में दिल्ली पुलिस ने दो महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के पास सड़क हादसे में दो लोगों की मौत। लखनऊ में राजा बाजार इलाके में पति ने पत्नी पर फेंका एसिड, पत्नी के मायके आने से नाराज था। लखनऊ में आरोपी की पत्नी और एक बुजुर्ग महिला एसिड अटैक की चपेट में आई, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के हरदोई में ट्रक की टक्कर लगने से युवक की मौत, गुस्साए गांव वालों ने हंगामा किया। हरदोई में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद गुस्साए गांव वालों ने ट्रक में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। यूपी के शामली में गन्ना किसान की गोली मारकर हत्या, आरोपी बदमाश फरार हुआ। यूपी के बरेली के गांव कचनारी में 50 रुपए के लिए भतीजे पर चाचा की हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में मामूली विवाद में दो परिवारों में झगड़ा, एक परिवार के छोटे बच्चे ने कई किलोमीटर दौड़कर दी पुलिस को जानकारी, पुलिस ने मामला शांत कराकर बच्चे के हौसले की तारीफ की। यूपी के सोनभद्र के शुभश्री पैलेस होटल में फिल्मी अंदाज में ताबड़तोड़ फायरिंग, होटल में भोजपुरी फिल्म की यूनिट ठहरी हुई थी, एक शख्स जख्मी। आरोपी सरफिर आशिक हीरोइन के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, पहले हीरोइन को बंधक बनाया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह आरोपी युवक को काबू में किया, पिस्टल और कारतूस बरामद, आरोपी और हीरोइन से पूछताछ जारी। एमपी के इंदौर के लोहा मंडी में युवक की चाकू मारकर बदमाश फरार, सड़क पर तड़प तड़प कर युवक की मौत हो गई, मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। एमपी के इंदौर में चोरी के आरोप में एक महिला और उसके बेटे की पेट से बांधकर बेरहमी से पिटाई, मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के सारण में चुनावी रंजिश में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, आरजेडी समर्थकों पर आरोप। हरिद्वार के लक्सर इलाके में दबंगों की गुंडई, पेट्रोल भरवा रहे युवक को ईंट से पीट पीट कर जख्मी किया, पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद वीडियो। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ट्रैकिंग के दौरान फंसे करीब 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया, गाइड समेत 5 लोग लापता। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में टीडीपी और वाईएसआर कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, 3 लोग जख्मी। तेलंगाना के मेडचल इलाके में 120 किलो गांजे और 14 लाख रुपए कैश के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। रामपुर नैनीताल रोड पर चलती कार में लगी भीषण आग, बाल बाल बची, कार सवार युवकों की जान। अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने वाले नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में सीबीआई ने बचाव पक्ष के 2 वकीलों को गिरफ्तार किया, हत्या में शामिल होने का आरोप है। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीषण गर्मी से लोगों पर आफत, 44 डिग्री तक पहुंचा तापमान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सूखे की हालत में जानवरों और लोगों की सेवा में जुटा संगठन, 2 महीने से 6300 गोवंश की कर रहा है सेवा, लोगों के लिए 10 रुपए में खाना।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 4 दिन की यात्रा पर जापान पहुंचे। जापान के नए सम्राट से मुलाकात वाले किसी देश के पहले राष्ट्राध्यक्ष होंगे। नेपाल में रिकॉर्ड 24वीं बार एवरेस्ट की चढ़ाई करके लौटे कामी रिता का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। चीन में बाल बाल बची, 2.5 साल के बच्चे की जान। 5वीं मंजिल से गिरे बच्चे को एक शख्स ने कैच करने की कोशिश करके बचा लिया। ताइवान में गे मैरिज को कानूनी मान्यता मिलने के बाद पहली बार सैकड़ों समलैंगिक लोगों ने एक साथ शादी की।